ये ग्राम पंचायतों के भी चुनाव आपने दो बार में कराए, अब ये आपके जो जितने आपके प्रधान थे उसमें से 1989 पंचायत समिति हमारी बनी, वो भी आपने इस गैप देकर के जो इधर से उधर किया, बाकी जितनी हमारा बहुमत है हम बना। मेरी विनम्र प्रार्थना है इस खरीद परियोजना का धंधा बंद होना चाहिए, चाहे हमारी दो कम बने या दो ज़्यादा बने। इसके कारण से राजनीति को इतना गिरा दिया हमने, इतना गिरा दिया है कि जिसको संभालना मुश्किल होगा। मैं सोचता हूँ कि ये खरीद फरोख्त बंद करे, चुनी भी सरकारों को गिराना बंद करे। किसको भाषण मिला रहे, किसको भाषण मिला रहे, किसको मिला रहे भाषण, किसको मिला रहे हो? क्या बोलता है? पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, पूरे देश में, पूरे देश में सत्यानाश कर दिया। आप न गिरे, मिला रहे ये फालतू की बात मिला रहे। यदि और से करना अच्छे नहीं है, दूध पीते और से करना, दूध पीते बच्चे नहीं है। ये केवल इसके कारण से वही बोलो जो बोलना हो, उतना ही बोलो, उतना ही बोलो जितना बोलना हो, उतना ही बोलो। मैं सोचता हूँ उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी हो, जितना बोलना आवश्यक है उतना ही बोलो। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी हो। आप खुद ही आपका मीटिंग हाउस बंद कर दूं, हाउस आप बैठे ना, आप मैं हाउस कर दूं, नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे, नीचे बैठे, मैं हाउस अटोन कर दूं। ये अधिकार मेरे को दिया है, आपको नहीं दिया अधिकार, कर दो नहीं कर दो, अर्जुन अर्जुन कर दिया, आपको नहीं दिया है। मैं आप आवासन के पहचानता हूँ, कौन बोल रहा है? माने मदन जी, क्या बोलूँ मैं आपको? आपको बोलो, सुन रहे हो आप? इनको बोलो, आप सुन रहे हो? आप तो बोलोगे, इनको बोलूँ मैं? मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, संसदीय परंपरा का हम पालन करें, उत्तेजित नहीं हो। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है तो प्लीज़ उसका जवाब देने के लिए लीडर ऑफ हाउस कॉम्पिटेंट है। इसलिए मैं आपसे अभिनंदन निवेदन करूंगा, यदि हाउस में इस तरह से डिबेट नहीं होगी और यदि आप चाहते हैं हाउस एडजोन करना है तो फोर्थ विद आई एडजोन इट। मैं ये अधिकार नहीं दूंगा राठौर साहब किसी को भी कि आप इनको आप करो ना, आप इनको प्रोवोक करो। हाउस नहीं चलाना, नहीं चला है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ मैं नियम और कानून का पालन करवाऊंगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे कुछ हो। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। क्षण आते हैं उत्तेजित होते हैं, और राजनीति में उत्तेजित होने से राजनीति का फैसला नहीं होता है। ये हाउस डिबेट डिस्कशन और डिसेंट के लिए, तो आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, पूरी अपनी बात कहेंगे और सत्ता पक्ष को भी पूरी बात कहने का अधिकार है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, ये यूट्यूब पर लाइव जा रहा है, जो नई जनता जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो क्या संसदीय परंपरा को सीखेगी? हम ये संसदीय परंपरा सिखाना चाहते हैं? हम ये हाउस को इसमें जी इलेक्ट होकर आए हैं, हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आपको, मैंने सोच समझ कर पूरी हाउस की प्रोसीडिंग को यूट्यूब पर डाल रखा है। इसलिए हमारा जो देश का जो प्रदेश का जो नौजवान आदमी है, वो जनता है, वो सब देख रही है कि हम किस तरह से हाउस में बिहेव कर रहे हैं। हम संसदीय परंपराओं को बनाए रखने के लिए अपने आचरण को इस तरह से व्यवहारित करें कि संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, और यदि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास कम हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में अराजकता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्द निवेदन कर रहा हूँ, जब हम इस बात को जानते हैं कि लीडर अपोजिशन बोल रहा है तो जब तक वो नहीं बैठे कोई इंटरवेन नहीं करें। जब आपके लीडर ऑफ द हाउस बैठे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट है, वो उनके पूरी बात का जवाब दे पाएंगे। इसलिए शांतिपूर्वक डिबेट को होने दें, माननीय कटारे जी।